पाकिस्तान से लेकर पेरू तक सियाहत के ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जहां आपको रहने के लिए 5-स्टार होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां आने का तजुर्बा हमेशा याद रहेगा। अगर आप अपने रोजमर्रा के कामकाज से परेशान हैं और कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो हम ऐसे 10 मकामात की फहरिस्त लाए हैं जहाँ जाकर आप सुकून की सांस ले सकते हैं। ये ऐसी जगह हैं जो शायद आपको ट्रैवल एजेंट की तरजीहात में से ना हो, लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इन मकामात पर जाने के लिए कुछ मुशक्कत दरकार होगी, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 300 मीटर की रेत के टीलों या एक फाल आतिश फिशा पर चढ़ने के बाद आपको 5-स्टार होटल का आरामदेह बिस्तर नहीं मिलेगा। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 के बेस कैंप कोंकोरिया तक पहुँचने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन चलते हुए बालतोरो, गुडून, ऑस्टिन और वेनिया नामी ग्लेशियर्स उबूर करना होंगे। फिर आप दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ K2 के दामन में पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने का कोई आसान तरीका नहीं है। ये दुनिया के उन चंद मुकामात में शामिल है जहां पहाड़ों के बीच में ही दफन हो सकते हैं। गैलिन रिवेल नामी फोटोग्राफर ने इसे पहाड़ी खुदाओं का तख्त कहा है। कोंकोरिया की खूबसूरती का राज इसका दूर दराज होना है। इसे ये नाम यूरोपीय सयाहों ने दिया जिन्हें ये जगह यूरोप के पहाड़ी सिलसिले एल्प जैसी लगी। रबाल खली, सऊदी अरब। आप इसे रबाल खली कहें या खामोशी का घर, जमीन पर रेत का सबसे बड़ा रकबा कुछ खाली खाली महसूस होता है। शायद इसीलिए इसे एम्प्टी क्वार्टर यानी खाली जगह भी कहते हैं। अगर फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड को मिलाया जाए तो जजीरा नुमा अरब का ये इलाका इससे भी बड़ा है। यहाँ रेत के टीले आइफल टावर से भी बुलंद हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा है और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आइफल टावर तो पेरिस में अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, लेकिन ये रेत के टीले हर साल 30 मीटर तक तेज हवाओं की वजह से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। केप यॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहां कई वीरान इलाके हैं। यहां के शहरियों के लिए भी केप यॉर्क एक दूर दराज और पहुंच से बाहर इलाका है। मुल्क के इंतहाई शुमाल में जाने के लिए आपको 4-व्हील ड्राइव वाली जीप में सफर करना होगा, जिसका सफर शायद आपके जबड़े हिला दे। ये केप कैरन से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है। इसका मतलब है यहाँ जाने के लिए कई दिनों तक गाड़ी में सफर करना होगा और मगरमच्छों से भरी झीलें उबूर करना होंगी। आपका इनाम ये होगा कि आपको एक पथरीला साहिली इलाका मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगला मुकाम ये होगा कि गाड़ी को वापस मोड़ें और घर जाने की तैयारी पकड़ें। नेशनल पार्क कनाडा। कनाडा के दूसरे सबसे बड़े नेशनल पार्क में शायद सबसे कम लोग जाते होंगे। 80 डिग्री शुमाल में अलजमीर जजीरे पर यह शुमाली अमेरिका का इंतहाई शुमाल का मुकाम है, जिसे केप कोलंबिया भी कहते हैं। यहाँ सर्दी की वजह से सयाहों को अपने हाथ जेबों में डालकर रखना पड़ते हैं। करीब के गांव से यहाँ चार्टर तैयारे पर आने के लिए आपको $32,000 खर्च करना होंगे। इस पार्क में सड़कों या दरख्तों जैसी कोई सहूलत नहीं, लेकिन यहाँ कुतुबी रीच और खूबसूरत पहाड़ हैं। कनाडा का सबसे शुमाली गांव भी यहीं पर है, जिसका नाम गैस फ्योर्ड है। आप वहाँ भी जा सकते हैं। कुतुब शुमाली। दुनिया का इंतहाई शुमाली मुकाम कुतुब शुमाली है। इसे बाज लोग सेंटा क्लॉस का घर भी कहते हैं। जाहिर है कोई इस दास्तान को गलत साबित करने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा। जुनूबी कुतुब के मुकाबले कुतुब शुमाली में कोई जमीन नहीं। यहाँ आने वाले सयाह पानी पर चलते हैं, वो पानी जो बहरा ओकियानूस में बर्फ बना हुआ है। गर्मियों में ये बर्फ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर रह जाती है, जबकि मौसम सरमा में ये 1,60,00,000 स्क्वायर किलोमीटर होती है। इसकी गहराई महज 5 मीटर है। ये एक हैरत अंगेज बात है जब इसका मवाजना एंटार्क्टिका की 3000 मीटर चौड़ी बर्फ से किया जाए।
रॉबिन्सन क्रूसो जजीरा चिली। अदबी तारीख में रॉबिन्सन क्रूसो को सबसे मारूफ लेकिन तन्हा किरदार कहा जाता है। इनके नाम पर बनाया गया जजीरा भी इतना ही तन्हा और मशहूर है। ये जनूबी अमेरिका के साहिल से 670 किलोमीटर दूर है। इसे सन 1704 में तब दरियाफ्त किया गया जब अलेक्जेंडर सिलक्रिक ने अपने बहरी जहाज के कैप्टन से लड़ाई के बाद मुतालबा किया कि उन्हें इस साहिल पर उतारा जाएगा। वो यहाँ तन्हा 4 साल तक रहे। कहा जाता है कि उन्होंने नॉवल निगार डैनियल डेफो को रॉबिन्सन क्रूसो नामी किरदार लिखने के लिए कहा था। आज बहरुल काहिल के इस जजीरे पर तकरीबन 500 लोग रहते हैं और यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद भी 100 के करीब होती है। निवेडो मिस्मी पीरू। अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कहा जाता है, लेकिन कुछ साल कबल तक ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि इसका पानी कहां से आ रहा है। सन 2001 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक सर्वे टीम ने GPS की मदद से इसका पता लगाया था। ये मुकाम जनूबी पीरू में वाकया है। ये लीमा से 700 किलोमीटर दूर जबकि दरिया के दहाने से 3000 किलोमीटर दूर है। निवेडो मिस्मी में पहाड़ की ऊँचाई 5597 मीटर है। ओखन जजीरा रूस। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर सफर करना होगा जो बेकल झील के साथ चलती है। बेकल झील दुनिया की सबसे गहरी ताज़ा पानी की झील है। आप इस मुकाम की तारीफ किए बगैर ना रह सकेंगे। मॉस्को से 3.5 दिन ट्रेन पर सफर करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, जबकि बीजिंग से इसका फासला 3 दिन का है। इसमें दुनिया का 20% तक ताज़ा पानी है। इसके करीब ओखन जजीरा मौजूद है जो 72 किलोमीटर लंबा है। ये बेकल का सबसे बड़ा जजीरा है। इसके माहौल की खास बात यह है कि यहाँ बहर अस्वद के साहिल के मुकाबले ज़्यादा धूप पड़ती है। ताहम झील का अक्सर हिस्सा और ये जजीरा बादलों तले ढके रहते हैं। जजीरा नुमा इलाका कामाचटका रूस। अगर आप इस चीज का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि रूस कितना बड़ा है, तो जजीरा नुमा इलाके कामाचटका को तस्वीर करें, जिसकी मशरकी साहिली पट्टी मॉस्को से ज्यादा लॉस एंजलिस के करीब है। यहाँ इर्द गिर्द लावे से भरे मैदान हैं। इस जगह को रूस चांद पर जाने के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ अरसा कबल तक यहाँ जाने के लिए 6 महीने लगते थे, लेकिन आज आप मॉस्को से 11 घंटे की परवाज के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। ये शायद जमीन की सबसे लंबी मुकामी परवाज है। स्कॉटी कैसल अमेरिका। 920 की दहाई में शिकागो के अरबपति एल्बर्ट जॉनसन को कहा गया कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली यानी मौत की वादी में सोना है। जॉनसन को इन खुश्क हालात में और तो कुछ ना मिली, लेकिन इनकी सेहत बेहतर हो गई। इस खुशी में उन्होंने इस सहरा में एक किला तामीर करवाया। यहाँ का दर्जा हरारत 2 नंबर पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। हिस्पानवी अंदाज का ये किला डेथ वैली में मौजूद 70 किलोमीटर दूर बस्तियों के मुकाबले एक हिमाकत लगता है। यहाँ दिलचस्प बात भेड़ की खाल से बने पर्दे और एक बड़ा थिएटर ऑर्गन है। रपिया सिकंदर, 92 डिजिटल टीवी।